हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और गाइस ये है हमारे घर की एक खराब सिलाई मशीन। और इस सिलाई मशीन से मैं बनाने वाला हूं एक शानदार सा जुगाड़ जो कि आपने अभी तक नहीं देखा होगा। तो भाई, अगर आपके पास भी इस टाइप की खराब सिलाई मशीन है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर नहीं है तो कबाड़ी वाले से ले लेना, क्योंकि यार ये काफी ज्यादा पैसे बचा सकती है हमारे। सबसे पहले हम यहाँ पर इस मशीन के अंदर जो पार्ट्स नहीं चाहिए हमें उनको खोल कर निकाल लेंगे। ये मशीन पुरानी है तो बहुत सारे पार्ट तो इजीली खुल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पार्ट ऐसे जो खुल नहीं रहे क्योंकि उनके अंदर ग्रीस ऑयल यहाँ पर जमा हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पर हाई प्रेशर वाशर से इसको धोना होगा। और यहाँ पर जो मैं यूज कर रहा हूँ अगारो कंपनी की तरफ से आने वाला हाई प्रेशर वाशर, जो कि 2200 वाट की वाटरप्रूफ मोटर के साथ में आता है और इसके साथ में मिल जाता है एक प्रोटेक्शन कवर जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिक शट ऑफ का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पर प्रेशर गेज मीटर मिल जाता है और इसको प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर भी मिल जाता है, जिससे आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पर पीछे की साइड में एक बटन मिल जाता है जिसको आप चालू कर सकते हो डायरेक्टली। इसका पावर कोड जो काफी ज्यादा लंबा है और ये पोर्टेबल भी है। एक साथ में कुछ कनेक्टर मिल जाता है जो कि इनलेट और आउटलेट के अंदर लगने वाले हैं। यहाँ पर एक फिल्टर मिल जाता है इसके साथ में, साथ में एक फोम बोतल मिल जाता है, 8 मीटर का आउटलेट होस मिल जाता है, इनलेट होस जो है 3 मीटर का मिलता है, एक एक्सटेंशन रोड मिल जाता है जो कि नोजल के सामने की साइड में लग सकता है और इसकी लंबाई बढ़ा सकता है। अब यहाँ पर यूजर मैनुअल भी मिलता है लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप देखते हो हमारी सिलाई मशीन का जितना भी गंदगी है वो सारा का सारा निकाल दिया है। आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रेशर काफी ज्यादा है, डायरेक्टली आप इसको जो है डायरेक्ट बाइक को मत धोना। यहाँ पर आप देखो इसका प्रेशर इतना ज्यादा है कंक्रीट को भी खोद सकता ही है। तो आपको यहाँ पर नोजल है उसको फैला दीजिए इस टाइप से, ताकि हमारा जो है गाड़ी डैमेज ना हो सके। और यहाँ पर इसको आप इस टाइप से फैला दोगे या फिर आप डायरेक्टली प्रेशर को कम कर दोगे, उसके बाद ही आपको गाड़ी को धोना है वरना डैमेज हो सकती है, काफी ज्यादा प्रेशर है। आप यहाँ पर देख सकते हो फोम बोतल जो है इससे फोम काफी अच्छा क्रिएट हो रहा है, आपकी गाड़ी काफी अच्छी तरीके से धुल जाएगी। अगर आपको परचेस करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर इसकी धुलाई अच्छे से हो चुकी है। पहले जो पार्ट बच गए थे खोलने के लिए जो कि ऑयल ऑयल ग्रीस के अंदर लगे हुए थे, तो अब यहाँ पर उनको फटाफट से खोल लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पार्ट्स है सारे मैंने खोल दिए जो काम नहीं आने वाले थे। और यहाँ पर आप नीचे की साइड में देख सकते हो कि जितने भी पार्ट्स है वो सारे हमारे काम के नहीं थे, तो सारे मैंने खोल दिए ताकि ये जो है मशीन है वो स्मूथली चल सके। अभी यहाँ पर देखो ये बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है और ज्यादा आवाज भी नहीं कर रही और थोड़ी सी पावर के अंदर ही काफी स्पीड से चल रही है। अब यहाँ पर आगे की साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मूवमेंट होता है ना अप डाउन जहाँ पर सुई लगी होती है, ये मैंने पार्ट रख दिया है और सारा पार्ट यहाँ पर निकाल दिया क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो सुई लगी हुई थी ना यहाँ पर मैंने इसको निकाल दिया है। अब यहाँ पर पीछे की साइड से क्या करूंगा मैं इस टाइप से इसको घिसूंगा और फ्लैट कर दूंगा। अब यहाँ पर मार्केट से मैंने एक जिक्सो की ब्लेड ली है और ये काफी इजीली मिल जाएगी आपको लोकल मार्केट में 10-15 रुपए में। अब ये जो ब्लेड है इसके पीछे वाला पार्ट थोड़ा मोटा था तो यहाँ पर मैंने इसको घिस दिया दोनों तरफ से, तो ये पतला हो गया है यहाँ पर। अब इसको इतना ज्यादा पतला करना है कि यहाँ पर देख सकते हो सुई कसने के लिए जो हमारा स्क्रू था इसके अंदर इजिली आ सके इस टाइप से और यहाँ पर फिट हो सके। तो यहाँ पर मैं इस क्या करूंगा इसको इस टाइप से लगा देंगे, यहाँ पर जहाँ पर हम सुई लगाते ना उसी जगह पर इस ब्लेड को हम लगा देंगे और अच्छे से टाइट कस देंगे यहाँ पर ताकि ये हिले नहीं। अब यहाँ पर ये प्लेट लगाना भूल गया था मैं, तो यहाँ पर मैंने वापस से इसको खोला और यहाँ पर इस प्लेट को लगा दूंगा और उसके बाद यहाँ पर इसको कस देंगे हम। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फिट कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हो काफी स्मूथली चल रहा है, यहाँ पर कहीं भी टच नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक पत्ती ली है मैंने जिसको यहाँ पर एल आकार मोड़ दिया और ऊपर की साइड में खोल कर दिया। अब यहाँ पर इसको स्क्रू के द्वारा नीचे की साइड में स्टेप से लगा देंगे। इस पत्ती से यहाँ पर हमारा जो ब्लेड है इसको पीछे की साइड में सपोर्ट मिलने वाला है। फाइनली गाइस यहाँ पर मैंने ब्लेड को लगा दिया है और ये पूरा सिस्टम मैंने सेट कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखो जैसे हम इसको चलाएंगे तो यहाँ पर ये ब्लेड ऊपर नीचे हो गया और हमारा जिक्सा का काम करने वाली है। अब यहाँ पर इसको मोटराइज करने वाले हम, इसके अंदर ये वाली मोटर लगाने वाले हैं। ये 775 डीसी मोटर जैसी दिखती है लेकिन ये 220 वोल्ट से डायरेक्टली चल सकती है। इसके पीछे की साइड में यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है क्योंकि ये जो मोटर है डीसी करंट चलती है और हमारे घर के अंदर एसी करंट आता है तो यहाँ पर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा और इसका पावर जो है 775 डीसी मोटर से काफी ज्यादा है। मेरे पास यहाँ पर एक पुली है जिसको मैं आगे साइड में लगा दूंगा। अब इस मोटर को हम यहाँ पर लगाएंगे इस टाइप से और यहाँ पर एक बेल्ट लगा देंगे ताकि यहाँ पर जैसे मोटर चलेगी तो यहाँ पर ये व्हील भी चल जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ब्लैक कलर का ग्लू स्टिक है, ये काफी मजबूती से चिपक जाता है। इसके अंदर बहुत सारा ग्लू लगाएंगे ताकि ये निकले नहीं और काफी मजबूती से यहाँ पर लग जाए। अब मार्केट में बेल्ट लेने के लिए गया लेकिन नहीं मिला मुझे, तो यहाँ पर कुकर की एक रिंग लेके आया हूँ मैं, ये काफी स्ट्रॉन्ग होती है और ये हमारे बेल्ट के रूप में काम करने वाली है।
यहाँ पर एक स्पीड कंट्रोल का भी यूज करने वाले हैं ताकि स्पीड को कम ज्यादा किया जा सके। इसके अंदर यहाँ पर दो आउटपुट के पिन दिए गए हैं और दो जो है इनपुट के पिन दिए गए हैं। आउटपुट में यहाँ पर दो वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा जो कि हमारे डायरेक्टली मोटर में हम सोल्डरिंग कर देंगे। और यहाँ पर एक पिन ले रहा हूँ जो कि डायरेक्टली 220 वोल्ट में लगाएंगे। ये दोनों पिन इनपुट वाले सेक्शन में लगानी है। अब यहाँ पर आउटपुट के जो दोनों वायर है उनको ब्रिज रेक्टिफायर के दोनों लेग्स पे लगाना होगा। इसके अंदर प्लस माइनस नहीं देखना क्योंकि एसी करंट है, तो यहाँ पर कोई सा भी वायर कहीं भी लगा सकते हो। इस कंट्रोल को हम आगे साइड में चिपकाएंगे तो यहाँ पर ग्लू गन के द्वारा इसको चिपका देंगे। अब आपको ध्यान रखना होगा ग्लू गन जो है थोड़ा ज्यादा लगाना और इसको थोड़ा ऊपर हाइट पे चिपकाना होगा ताकि यहाँ पर जो है हमारी करंट है वो हमारी बॉडी के साथ में ना फैले। तो इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा लगा दिया हूँ ग्लू और इसको बस थोड़ा ऊपर पकड़ के रखूंगा जिससे क्या ग्लू इसको थोड़ा हाइट पे रखेगा और करंट वरेंट का डर ना रहे। अब यहाँ पर देख सकते हो ओपन है तो यहाँ पर इसको हम क्लोज कर देंगे तो आगे का जो पार्ट है उसको वापस से लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने स्पीड कंट्रोल लगा दिया है। अब यहाँ से हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं इसका स्पीड। अब यहाँ पर जब भी मोटर चलेगा ना तो यहाँ पर देख सकते हो ये व्हील घूमेगा और इस व्हील से हमारा जो है पूरा सिस्टम चलने वाला है। तो फाइनली गाइस इसको चालू करते हैं। अब तो फाइनली देख सकते हो ये हमारी चल चुकी है और काफी कम स्पीड में चल रहा है अभी। अभी यहाँ पर इसका स्पीड बढ़ाएंगे। वाओ यार इसका फुल स्पीड नहीं करा मैंने, फुल स्पीड में तो पूरी हमारी भागने लगती है। तो अब यहाँ पर इसको स्पीड को हम तो फुल नहीं करेंगे वरना भागेगी मशीन। अब इतना काफी है और यहाँ पर देखिए तो MDF है हमारे पास और इस MDF को यहाँ पर कट करेंगे। MDF को इसने काफी अच्छे से यहाँ पर कट कर लिया है और यहाँ पर अब हम जो है एक प्लास्टिक शीट का यूज करेंगे। प्लास्टिक शीट देख सकते हो कितना ज्यादा मोटा है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला प्लास्टिक शीट है। प्लास्टिक सीट को भी इसने काफी आराम से कट कर दिया। आप देख सकते हो यार कितना ज्यादा मोटी साइज का है और ये काफी स्ट्रॉन्ग वाला है। अगर इसको हम जो है हेक्सा ब्लेड से भी कट करते तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती कट करने में, लेकिन इसने आराम से कट कर दिया है। अब मेरे पास यहाँ पर एक लकड़ी है मोटी साइज की, इसको भी यहाँ पर कट करके देखते हैं। ये मशीन काफी परफेक्टली काम कर रही है और यहाँ पर जो भी कटिंग हो रही है वो सारे एंगल के अंदर कट हो रही है, तो कभी भी आप इसका जॉइंट बनाओगे तो काफी परफेक्टली बन जाएगा। यहाँ पर हमें जिग्सा मशीन परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है जिग्सा मशीन परचेज करने का तो आप इसको बना सकते हो, काफी कम रेट के अंदर बन के तैयार हो जाएगा और काफी ईजी भी है बनाना। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे हो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत, बाय एवरीबॉडी।